हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम फ्रॉम गाड़ियोस। तो आज हमारे पास आई हुई है BMW 520D डीजल वेरिएंट। इस कार के अंदर हम करने वाले हैं जर्नल सर्विस। इसके अंदर एक मेजर फॉल्ट भी है। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहना ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि वो फॉल्ट क्या था और हमने उसको कैसे रिजॉल्व किया है। इसका पुराना एयर फिल्टर है। एक बार इसकी कंडीशन देखते हैं। चौक हो रखा है, ये भी चेंजेबल है। ये देख सकते हो आप कितनी डस्ट भरी हुई इसके अंदर। इसका पुराना एसी फिल्टर है, आप देख सकते हो बिल्कुल चौक हो रखा है। देखिए कितनी सारी डस्ट है इसके अंदर। इसकी वजह से कूलिंग ऑयल भी खराब हो सकती है, तो इसको भी चेंज करना होता है। ये इसके नए ऑयल फिल्टर आ चुके हैं। ये मान का ही एयर फिल्टर है और ये ऑयल फिल्टर है मान का। ये ओरिजिनल होते हैं ये भी मान के। ये इसका नया एयर फिल्टर है, ये नया ऑयल फिल्टर है इसका। इसको हम सेट कर रहे हैं। ये इसका कूलेंट टॉप अप हो रहा है। अरे उनने सामान भी भेजा यार। ये ब्रेक ऑयल है, भेजना है अभी। टॉप अप हो रहा है। इस कार के अंदर जो प्रॉब्लम है वो लेफ्ट साइड का जो टायर है वो इसका घिस रहा है एक तरफ की तरफ से। तो उसके लिए इसके सॉकर को हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर बेसिकली आप किसी को दिखाते हो तो इसके सॉकर के अंदर ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं बता सकते, क्योंकि सॉकर का जो प्रेशर है वो प्रॉपर है। सॉकर हल्का सा बेंड है और उसकी वजह से ही जो इसका टायर है लेफ्ट साइड का वो घिस रहा है। तो इसलिए हम इसके टायर को चेंज करेंगे और इसके सॉकर को चेंज करेंगे। वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। जब तक के लिए टाटा।